क्या करो सर, नाक इससे लंबा नहीं हो सकता। वो VFX में कर लेंगे लोग। लेट्स गो। बैंग बैंग का म्यूजिक के बारे में बताइए कुछ, कितना चैलेंजिंग था बैंग बैंग का म्यूजिक? बहुत चैलेंजिंग था भाई साहब, बैंग बैंग का म्यूजिक सिद्धार्थ आनंद के साथ काम करना इजी नहीं है। पूछिए आप जितने लोगों ने काम किया इनके साथ, बहुत कठिन और बहुत एक 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 ऐसी अवस्था हो जाती है जहाँ आप पता नहीं कि आप आत्महत्या करने का दिल करता है आपका। यहाँ तो आत्महत्या या मर्डर, यही दो सोल्यूशन है। एक्चुअली सिद्धार्थ इज अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ आवर्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी फिल्म इज लाइक आवर फिल्म, इज लाइक आवर होम प्रोडक्शन। मजाक कर लेते हैं हम लोग इनके बारे में, हम लोग अभी वो साथ में होते तो हमारी उतनी बैंड बजाते जितनी हम लोग बैंड बजाते हैं। लेकिन बहुत मजा आया, इट्स अ वेरी न्यू काइंड ऑफ अ स्कोर, नया साउंड है, नई एनर्जी है, इट्स लॉट ऑफ मैडनेस। वी हैव ऋतिक, कैटरीना, सिद्धार्थ आनंद, एक्शन, रोम कॉम, पहली बार ऐसा हो रहा है और वी आर वेरी वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस साउंड ट्रैक। तो ऑफ कोर्स म्यूजिक बनाने में यही मतलब चैलेंज तो यही था कि जो स्केल है फिल्म की, मतलब इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स एवर मेड, ऋतिक इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ ऑल टाइम, कैटरीना इज अ मैसिव मैसिव स्टार। तो चैलेंज ये था कि म्यूजिक उस लेवल का हो, नया हो, फ्रेश हो और हर तरीके से, मतलब जो फिल्म की इमेज है वो एक्चुअली आजकल फिल्मों का जो चेहरा है वो म्यूजिक है, वो फिल्मों को जो पहली बार लोगों तक ले जाई जाती है वो म्यूजिक के द्वारा ले जाई जाती है। सो आई मीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी थी तो हमने ये निभाने की कोशिश की है, नए नए साउंड्स ट्राई किए, नए नए तरीकों से गाने बनाए हैं और बॉलीवुड का पहला EDM ट्रैक जो है वो तू मेरी है, एक न्यू डिस्को जॉनर में इसका टाइटल ट्रैक, बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक बनाया गया है। मेहरबान जो आप सुन चुके हैं, बहुत सिंपल रोमांटिक सॉन्ग, ब्यूटीफुली शॉट और जिस तरह से ऐश किंग और शिल्पा ने गाया है, आई थिंक इट्स एडेड अ न्यू फ्रेश फ्लेवर टू द एंटायर कॉम्पोजिशन। आई थिंक विद ऑल द सॉन्ग्स दैट फ्रेशनेस, एक फ्रेशनेस की खोज रही है हमारी, खोज रही है। और आप ये एल्बम ऐसा एल्बम है कि हर 8-10 सेकंड पर, हर 10-12 सेकंड पर जब आप गाने सुनेंगे एक नया एलिमेंट आपको नजर आएगा उसमें, न्यू साउंड, मे बी इट कैन बी अ बिग क्वायर सेक्शन और मे बी इट विल बी डबल गिटार्स, कुछ भी, समथिंग न्यू विल कीप ऑन कमिंग। लाइक फॉर बैंग बैंग का टाइटल ट्रैक में नई बेस लाइन, नथिंग इज मोनोटोनस इन दिस एंटायर साउंड ट्रैक, दैट इज समथिंग विच इज एक्साइटिंग बोथ ऑफ अस। और बहुत मजा आया, ग्रेट सिंगर्स वी वर्क विद, ग्रेट अरेंजर्स, आवर अरेंजर्स अभिजीत मलानी हैज बीन विद अस सिंस झंकार बीट्स, उन्होंने गाने इसके अरेंज किए, किरण कामत, ऑल ऑफ देम, सम ग्रेट एनर्जी ऑन द साउंड ट्रैक। तो और सिद्धार्थ के साथ ऑब्वियसली पांचवी फिल्म है तो कुछ नया, मारा मारी, झगड़म झगड़ी, खाना, मतलब रोज बातचीत करना, हंसना, रोना, ऑल ऑफ इट, एवरीथिंग इज देयर। इट्स बहुत मजा आया, इट्स लाइक अ लाइफ एक्सपीरियंस दिस साउंडट्रैक, एक पूरी जिंदगी। हर साउंडट्रैक के बाद सिद्धार्थ और हम एक डिस्कशन करते हैं कि अगली फिल्म तो नहीं करेंगे साथ में, बस हो गया, और बाकी उसके बाद मिलन तो हो ही जाता है, मिलन टॉकीज हो जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जब बैंग बैंग का म्यूजिक रेक कर रहे थे, हाँ, तो साथ के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट है जो शेयर करना चाहेंगे? हमने ये फिल्म क्विट की बहुत सारी नो एक्चुअली इस बार नहीं की यार, हमने, हमको आदत पड़ गई, पिछली बार की थी, अनजाना अनजाने में चार पांच बार क्विट किया था। आई क्विट वंस, हैड यू, एंड यू आल्सो क्विट वंस, बट मैं तो आई क्विट एवरी डे डूड, मेरा तो सिद्धार्थ के साथ में रोज का। कुछ भी रीजन हो सकती है, मतलब हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई भी कुछ भी उठपटांग बात कह सकता है, कर सकता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सबको पता है कि ये साथ में ही करना है और आगे साथ में ही बढ़ना है। सो इट्स लाइक दैट बेसिकली। सिद्धार्थ हम लोग को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि उनको पता है कि इफ ही पुशेस अस, कि एक अगर हमने एक गाना बनाया है और उससे अच्छा हो सकता है, सो ही नोज हाउ मच वी कैन पुश इट। तो इतना जल्दी सेटल करते नहीं है वो गाने के लिए, हर गाने के लिए हम लोग कम से कम 8-10 पूरे गाने हम लोग ने रिकॉर्ड किए हैं, एंड ही इज चोजन द बेस्ट वन ऑफ, सो हैट्स ऑफ टू हिम फॉर चूजिंग द बेस्ट। पूरा बैंड म्यूजिक होने को कितना टाइम लगा आपको? म्यूजिक हो, वेल कैसे बोले, अभी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द म्यूजिक आई थिंक वाज नॉट एज मच एज द डिस्कशंस एंड द जो आइडिएशन होती है, जो स्क्रैचेस होती हैं, जो धुने सॉर्ट ऑफ मतलब अगर शेखर और मैं गिटार लेके बैठ जाएं तो एक घंटे में 300 ट्यून भी हो सकती है, यू नो इट्स नॉट ऐसा नहीं, बट उसमें से क्या चुनना, क्या लेना, कैसे करना है, क्या करना है, किस दिशा में जाना है, उसकी साउंड कैसे होगी, ये सारी बातें, इनमें काफ़ी वक्त गया और ये अच्छी बात है कि इसमें वक्त तो जाना चाहिए। जैसे हम हमेशा कहते थे जब पहले हमने शुरुआत की कि
हमने सुना है कि एक अच्छा साउंड ट्रैक बनाने में बहुत वक्त लग जाता है, तो हमने कहा कि यार हमें भी कभी एक दिन ऐसा होगा कि बहुत वक्त लगा के अच्छा साउंड ट्रैक करेंगे, तो आजकल ऐसा होता है हमारे साथ में, तो बहुत मजा आता है, वी एंजॉय इट। और एक गाने को जब आप पहली बार बनाओ, फिर उसके बाद आप घर ले जाओ, सुनो, तो नए आइडियाज आते हैं, नई सोच आती है, नई कुछ बातें आ जाती हैं, तो वो गाना डेवलप होता है वैसे। सो इट्स अ वंडरफुल वे टू वर्क। जो भी प्रोसेस था और जितना भी टाइम लगा है या जितना भी टाइम हमने मारा मारी की या जो भी किया, आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ इट, बिकॉज आज दो गाने रिलीज हुए और दोनों गाने नंबर वन ऑन द चार्ट, सो इट्स फैंटास्टिक इन ऑल चार्ट्स। आई थिंक जब तू मेरी आया इवेंट नंबर वन, मेहरबा आया इवेंट नंबर वन, इंशाल्लाह जब बैंग बैंग टाइटल ट्रैक आएगा वो नंबर वन पे जाएगा। एंड जस्ट थैंक यू फॉर द लव, एंड Vishal and I and Siddharth would like to thank all you guys for loving the soundtrack of Bang Bang. Thank you. आपने जैसे पहले बताया कि आप शूट्स पे थे रितिक के साथ, तो रितिक ने भी कुछ इनपुट दिए थे म्यूजिक के लिए आपको? रितिक इनफैक्ट स्टूडियो भी आए थे काफी बार, इनपुट नहीं दिया उन्होंने, वो अप्रिसिएशन देने में, मतलब ही वाज वेरी वेरी काइंड। जब वो गाने सुनते हैं तो मतलब उन्हें, एक तो वो म्यूजिकल फैमिली से हैं, उनकी जो एक म्यूजिकल प्रथा है उनके फैमिली में, रोशन साहब एक बहुत महान संगीतकार रह चुके हैं, राजू जी, राजेश रोशन साहब हैज़ डन सच फिनोमिनल वर्क कि मतलब वो लेजेंड्स में गिने जाते हैं, तो उनकी फैमिली इतनी म्यूजिकल है, तो वो म्यूजिक को जानते हैं, म्यूजिशियंस को जानते हैं, उनके टेम्परमेंट को पहचानते हैं, तो जब वो स्टूडियो आते थे हमेशा ही बी वेरी इंकरेजिंग, मतलब गाना सुन के उनके चेहरे पे जो खुशी आती है, दैट्स अ पे ऑफ फॉर अस। एक म्यूजिशियन के लिए इससे बड़ा मतलब कोई ये नहीं होता, कोई फल नहीं होता काम का, कि जो सुनने वाला हो वो खुश हो जाए तुम आपकी म्यूजिक सुन के, सो दैट फील्स ग्रेट। रितिक बहुत ही हम्बल इंसान है, बहुत ही स्वीट इंसान है, और प्रशंसा कैसे करनी एक आर्टिस्ट की और काम की, जिस तरह से वो एक हिस्सा बन जाते हैं, हर गाने का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसे हिस्सा बनते हैं कि आप बहुत हम्बल रह के और बहुत प्रशंसा करके एक सामने वाले को कितना स्पेशल फील कराना। एंड ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट, आप जब क्रिएटर्स हो तो आप सामने सुनने वाला अच्छा हो तो ही मज़ा आता है, तो वो एग्जैक्टली उनके साथ हमने एक बहुत अच्छे सेशंस भी किए, हम लोग स्टूडियो में आते थे, वो बैठते थे हमारे साथ, तो एक अलग किस्म की एनर्जी, एक बहुत खुशी का माहौल, वो है एक खुश मिजाज के, तो और मज़ा आता है। I think this entire journey has been beautiful for us. जाते जाते bang 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 से आप दोनों का एक favorite गाना एक line सुना दीजिए। Which one? 1, 2, 3. ऐसी क्या चली हवा? ये कहीं नहीं मिलेगा देखने। ले गई। अरे गाना। Sing ना यार। अरे no one's heard it in your voice. Sing it ना। Sing it ना, it's so beautiful, dude. It's sounding awesome. Sing ना यार। You're sounding awesome, dude. What are you saying? गाना। अरे किसी को नहीं मिलेगा देखने, ये सीडी पे गाना मेरी आवाज में, वहां सुन लेना ये एक बार तो सुन लो शेखर की आवाज में, कम ऑन प्लीज मैन, हेल्प मी विद द लिरिक्स। 1, 2, 3 एंड ऐसी क्या चली हवा के ले गई मेरी सांसों को मुझसे दूर तेरे पास, और मुझे हुआ एहसास, तू 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 मेरी री री, मैं तेरा रा होने लगा, मैं तेरा रा रा, तू मेरी री होने लगी। कुछ कहना चाहेंगे आप फैन से? 2 अक्टूबर को आप जाइए थिएटर में, बैंग बैंग रिलीज हो रही है, इट्स ऑसम, चेक इट आउट। थैंक यू, एंजॉय।